टुडे टॉपिक इज द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मूला इज द CH3COOH। अगर हम CH3COOH की बात करें तो बॉन्ड एंगल SCC के बीच में 109.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी, ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, एच ओ सी के बीच में बॉन्ड एंगल 105। तो ये हो गए हमारे बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉन्ड लेंथ। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 110 PM, 110 PM। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 153.51 PM। कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है इसके बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 132 PM। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ 123 PM। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH का बॉन्ड लेंथ 97 PM। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड लेंथ फार्मूला। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है। जो सी डबल बॉन्ड ओ का ये बॉन्ड है इसमें क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर वाले इलेक्ट्रॉन इसके आता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस केस में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, जो सी डबल बॉन्ड ओ था उस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता है। ये माइनर कंट्रीब्यूटर होता है और ये स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। CH3COOH पैरेंट एसिड है CH3OH। अगर हम इसको लिक्विड पैरेंट बेस के बीच में अगर डालते हैं तो एक प्रोटॉन गेन करता है, कंजुगेटेड एसिड बनेगा और प्रोटॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, कंजुगेटेड बेस, पैरेंट बेस से कंजुगेटेड एसिड और पैरेंट एसिड से कंजुगेटेड बेस प्रोटॉन लॉस के बाद। बेसिक डिस्क्रिप्शन, एस्टिक एसिड है कलरलेस लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला CH3COOH या CH3CO2H या C2H4O2, दीज आर द बेसिक केमिकल फार्मूला। व्हेन अनडाइल्यूटेड, जब एस्टिक एसिड अनडाइल्यूटेड है इट्स इट समटाइम्स कॉल्ड एज ग्लेशियल एस्टिक एसिड। हम इसके ग्लेशियल क्यों वर्ड यूज करते हैं, हम इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे कि जब इसको फ्रीज करते हैं तो जस्ट लाइक आइस, आइस जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको वर्ड यूज करते हैं ग्लेशियल एस्टिक एसिड। विनेगर इज रफली 3-9% एस्टिक एसिड बाई वॉल्यूम, मेकिंग एस्टिक एसिड द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर अपार्ट फ्रॉम वाटर। एसिटिक एसिड है जे डिस्ट्रक्टिव सावर टेस्ट या शोर टेस्ट एंड द पर्जेंट स्मेल एडिशनल टू हाउस होल्ड विनेगर। IUPAC नेम एस्टिक एसिड, अदर नेम इथोनोइक एसिड बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं व्हेन डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड विद द वाटर। हाइड्रोजन एसिटेट, मेथेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये इसके दूसरे नाम है, यादव नेक्साइन। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला इज C2H4O2, मोलर मास 60.05 ग्राम पर मोल, अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड, ऑर्डर ऑर्डर इज पंजेंट या विनेगर लाइक, डेंसिटी 1.049 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट 118 टू 119 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर मिसिबल, एसिडिटी जिसको पीके वैल्यू की हम बात करें तो पीके वैल्यू इज द 4.76। यूजेज, यूजेज में इंडस्ट्रियल केमिकल, प्राइमरी इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज एसिटेट फॉर द फोटोग्राफिक फिल्म। सेलुलोज एसिटेट के प्रोडक्शन में यूज होता है, पानी विनाइल एसिटेट फॉर द वुड ग्लू, सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स, इन सारे इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। द मेजर एस्टर ऑफ एस्टिक एसिड आर कॉमनली यूज एज द सॉल्वेंट फॉर द इंक पेंट एंड कोटिंग्स। इसका जब हम केमिकल यूज की बात कर रहे हैं तो केमिकल यूज में इसके एस्टर का हम यूज करते हैं सॉल्वेंट फॉर द इंक पेंट एंड कोटिंग मटेरियल में। इन हाई सॉल्ट डाइल्यूटेड एस्टिक एसिड यूज द डीस्केलिंग एजेंट। बहुत से मेटल्स पे जब स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है या बहुत से जगह हैवी मेटल्स या कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया है, स्केल का फॉर्मेशन हो गया है, उस स्केल को हटाने के लिए डी स्केलिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। इन फूड इंडस्ट्री एस्टिक एसिड यूज एज द फूड एडिटिव। मेडिसिनल यूज, एस्टिक एसिड इंजेक्शन इन द ट्यूमर हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर सिंस द 18वीं सेंचुरी में इसका यूज करते थे कैंसर ट्रीटमेंट में। व्हाइल डाइल्यूटेड एस्टिक एसिड यूज्ड एंडोफोरेसिस ट्रीटमेंट ऑफ कोर्टिक्स एस्टिना, इफेक्टिव एंटीसेप्टिक व्हेन यूज्ड एट 1% सॉल्यूशन विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई सुडोनोमस एंटेरोकोकस। इन सब का जो हम एंटेरोफोरेसिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी बाय यूज द वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द स्किन। वर्टिस एक्सटिना मींस आल्सो पार्ट ऑफ द स्विमर ईयर इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनल। इसका मेडिसिनल यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ CH3CHOH COH। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, CH3CH2COH के फॉर्मूले को एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एल्कोहल ग्रुप से और हमारा बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मेनली होता है सॉलिड स्टेट में, इट इज इन सॉलिड स्टेट, इट इज वाइड एंड वाटर सॉल्युबल। इन इट्स लिक्विड स्टेट इट इज ए कलरलेस। वाटर सॉल्युबल है, कलरलेस है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरली बाय सिंथेटिक विद द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट द कार्बोनिक सॉरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एडजेंट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। जो हमारा एस्टिक ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है। लैक्टिक एसिड क्लासिफाइड एज अल्फा हाइड्रॉक्सिक एसिड, AHA बोला जाता है, अल्फा हाइड्रॉक्सिक एसिड इन अ फॉर्म ऑफ द कंजुगेटेड बेस कॉल्ड द लैक्टेट। इट इज प्ले ए रोल इन द सर्वलर बायोकेमिकल प्रोसेस। सबसे ज्यादा इसका यूज बायोकेमिकल प्रोसेस में होता है। लैक्टिक एसिड इसमें क्या होता है, प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड डिनोटेड एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी
पाया जाता है। इसके जो कंजुगेटेड बेस होता है इसका अगर हम प्रोटॉन निकाल दिए तो प्रोटॉन निकालने का मतलब H प्लस निकल गया, और H प्लस निकालने के बाद जो फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं लैक्टेट। इसका आईयूपीएसी नेम 2-hydroxypropionic एसिड, अदर नेम्स में हम इसको मिल्क एसिड भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला C3H6O3। अपीयरेंस इन द कलरलेस क्रिस्टलाइन इन नेचर, मेल्टिंग पॉइंट 53 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर सॉल्युबल है, एसिडिटी पीके की बात करें तो पीके वैल्यू 3.86। ये एस्टिक एसिड से ज्यादा इसका एसिडिटी होता है, एस्टिक एसिड का 4.6 था इसका 3.86, इस वजह से एस्टिक एसिड से ज्यादा एसिडिटी है इसमें। जिसका पीके वैल्यू जितना कम होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा है। यूजेज इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, लैक्टिक एसिड आल्सो एम्प्लॉयड द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वाटर सॉल्युबल लैक्टेट फ्रॉम अदरवाइज इनसॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बहुत से जो इनसॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसका सॉल्युबल फॉर्म बनाया जाता है लैक्टेट के फॉर्म में। बहुत से आप लोग देखते होंगे जैसे ओफ्लॉक्सासिन या सिट्रोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद लिखा रहता है .HCl, ओफ्लॉक्सासिन .HCl या एमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, या उसको साल्ट, बहुत से ऐसे साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या लैक्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या होता है मेन पर्पज, उस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना। जब प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा तभी हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, अगर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल है तो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का लैक्टेट बनाए जाते हैं टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। इट इज यूज इन द ट्रॉपिकल प्रिपरेशन एंड कॉस्मेटिक टू एडजस्ट एसिडिटी एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड कैरोटिनिल प्रॉपर्टी। लैक्टेट का क्या होता है बहुत से जगह हम यूज करते हैं पीएच मेंटेन करने में, और ट्रॉपिकल प्रिपरेशन के पीएच मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। कितने लोग जब नेक्स्ट यूज, इट इज आल्सो यूज एज द बफर इन फूड इंडस्ट्री। फूड यूज में लैक्टिक एसिड कैन बी यूज एज द मीट पोल्ट्री एंड फिश इन फॉर्म ऑफ द सोडियम और पोटेशियम लैक्टेट टू द एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ कंट्रोल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो फॉर्म होता है सोडियम लैक्टेट या पोटेशियम लैक्टेट की वजह से जो स्टोरेज कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन में इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। बिकॉज ऑफ इट्स माइल्ड टेस्ट, लैक्टिक एसिड यूज एज द एसिडिटी रेगुलेटर इन बेवरेज सच एज सॉफ्ट ड्रिंक एंड फ्रूट जूस। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक या फ्रूट जूस आते हैं उन सब में उसका पीएच मेंटेन करने के लिए, एसिडिटी रेगुलेटर के लिए हम यूज करते हैं लैक्टिक एसिड का। मेन यूज इसलिए करते हैं कि जो इसका टेस्ट होता है टेस्ट माइल्ड टेस्ट होता है। लैक्टिक एसिड इज इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग द स्प्लोजर ऑफ ओले ग्रेन्स पर्स ओनियन एंड वेजिटेबल प्रिजर्व्ड इन द ब्राइन। बहुत से जो फूड खाने के लिए वेजिटेबल प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसको यूज करते हैं, ओले को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जर्किंस में पल्स ओनियंस के लिए सब ये यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड में भी आल्सो यूज द प्रिजर्वेटिव इन द सलाद एंड ड्रेसिंग रिजल्टिंग इन द प्रोडक्ट विद द माइल्ड फ्लेवर व्हाइल द मेंटेनिंग माइक्रोबियल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। जो इसका यूज सलाद के प्रिजर्वेशन में है उसका ड्रेसिंग के लिए, और इसका क्या होता है माइल्ड फ्लेवर होता है और माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है, तो मेंटेनिंग माइक्रोबियल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इन डिटर्जेंट इट्स अ गुड डीस्केलर
शो स्कम रिमूवर एंड रेजिस्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट. मॉस्किटो लेवरिया के लिए लैक्टिक एसिड आल्सो विद अमोनियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द लेवरेक्स ब्रांड ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट. बहुत से जगह मच्छर भगाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहता है. एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लैक्टेट प्रिपरेशन. एग्जांपल के लिए बफर लैक्टिक एसिड हार्ड एंड सॉफ्ट कैंडी में, कैल्शियम लैक्टेट टूथपेस्ट एंड माउथ वॉशेस च्यूइंग गम में भी यूज करते हैं. इथाइल लैक्टेट फ्लेवर फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी एंड बटर. पेस्टिसाइड हेयर केयर शैम्पू में इथाइल लैक्टेट यूज करते हैं. लैक्टिक एसिड बॉम ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं. आइसक्रीम यूज करते हैं. जेलीस गम बिस्किट कुकीज. जिंक लैक्टेट ओरल केयर के लिए टूथपेस्ट में माउथ वॉशेज में यूज करते हैं. सोडियम पोटेशियम लैक्टेट केक ब्रेड रोल फ्रेश मीट पैक ब्रेड इन सब के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड मेनली बहुत से फूड में पाया जाता है. बहुत से जो फूड्स हैं जैसे ग्रेप्स बनाना साइट्रस फ्रूट्स जितने हैं उन सब में टार्टरिक एसिड का परसेंटेज ज्यादा होता है. टार्टरिक एसिड इज वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड दैट अकर्स नेचुरली इन मेनी फूड्स. Most, mostly in the grapes, in banana, terminates and citrus. Its salt, potassium bitartrate commonly known as the cream of tartar. जो potassium bitartrate होता है हम उसको बोलते हैं cream of tartar. It is commonly mixed with the sodium bicarbonate and sold as the baking powder. जो baking powder होता है baking powder में इसको mix कर sodium bicarbonate और sodium bicarbonate के साथ tartaric acid भी mix रहता है और इन दोनों को mixing को भी कहते हैं baking powder. Use in the food preparation. बहुत से food preparation में baking powder use करते हैं. The acid itself added to the food as an antioxidant and to impart the destructive sour taste. इसका जो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है sour taste. इसमें डी टार्टरिक एसिड एल टार्टरिक एसिड और मीजो टार्टरिक एसिड तीन तरह के टार्टरिक एसिड होते हैं. क्या क्या हमने बोला डी टार्टरिक एसिड एल टार्टरिक एसिड एंड मीजो टार्टरिक एसिड.